हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज हम अपनी रसोई में बनाने वाले हैं गुजरात की फेमस मिठाई मोहन थाल। आज हम बिल्कुल मार्केट जैसा मोहन थाल बनाएंगे, वो भी बहुत कम घी में। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनका मोहन थाल जमता नहीं है या फिर बिल्कुल भी दानेदार नहीं बनता है। आज हम इसे इस टिप्स और ट्रिक से बनाएंगे जिससे आपका मोहन थाल एकदम मार्केट जैसा दानेदार बनकर तैयार होगा और जमने के बाद हार्ड भी नहीं होगा। इस मिठाई को बनाना इतना आसान है कि अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और खाने में इसके कहने ही क्या है, आपका पेट भरेगा पर मन नहीं भरेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं मोहन थाल। सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है, इसे अच्छे से छान लेंगे। इसे हम अगर ग्राम में देखें तो ये लगभग 400 ग्राम बेसन है। आप जो भी घर में यूज़ करते हैं वो बेसन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी गांठें ना रहें। हमने यहाँ बेसन को छान लिया है। अब इसमें 2 चम्मच के लगभग रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसके साथ साथ हम इसमें 6 चम्मच के लगभग दूध डालेंगे। जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम उसी हिसाब से दूध डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे हम मोयन लगाते हैं समोसा कचौरी में, उसी तरह से हम बेसन में दूध और तेल का मोयन लगाएंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का दाना होना चाहिए। तेल का मोयन लगाने से ये ऐसे ही दानेदार रहेंगे। तेल की जगह अगर हम इसमें घी का मोयन लगा देंगे तो ये जो दाना है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। इसमें जो छोटे बड़े दाने दिख रहे हैं उसे बराबर करने के लिए इसे पल्स मोड पर ऑन ऑफ करते हुए इसे पीस लेंगे। मिक्सी को हमें 2 या 3 बार ऑन ऑफ करना है, इतने में ये पिस जाएगा। हमें एकदम से मिक्सी नहीं चलानी है। अब हम इसे एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। अब लो फ्लेम पर इसे भून लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। अब बेसन को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसमें 2 चम्मच घी ही काफ़ी है, ज़्यादा घी हम इसमें नहीं डालेंगे। इसे भूनने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। जब तक बेसन का कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। बेसन को हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। इसके फ्लेम को हाई करेंगे तो बेसन जल जाएगा, इसलिए लो फ्लेम पर ही इसे भूनेंगे और बीच बीच में गांठों को तोड़ते हुए इसे बराबर कर लेंगे। बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है और इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अगर हम इसे इसी बर्तन में छोड़ देंगे तो कढ़ाई गर्म है इसलिए बेसन जल जाएगा। अब हम उसी कढ़ाई में 1 कप चीनी डालेंगे। जिस कप से हमने बेसन लिया है उसी कप से चीनी लेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 चम्मच चीनी और डाल दें, पर 1 कप चीनी इतने बेसन के लिए काफ़ी है। अब इसमें 2 से 4 चम्मच के लगभग पानी डालेंगे और चीनी को मेल्ट करेंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे पिघलने तक ही वेट करना है। जितना समय चीनी को मेल्ट होने में लगेगा बस उतना ही समय इसे देना है। अगर चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पा रही है तो 1-2 चम्मच पानी और डाल दें। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पर यह आसानी से मेल्ट हो जाएगी। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर मेल्ट करेंगे और ये देखिए, हमारी चीनी मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। अब हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें 1 कप मलाई डाल देंगे। ये घर की नॉर्मल मलाई है जो दूध पर जम जाती है। मैंने यहाँ पे 2 दिन की फ्रेश मलाई ली है। इसको हम चाशनी में मिक्स करेंगे और चलाते हुए पका लेंगे। जब मलाई अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स हो जाएगी और इसमें एक उबाल आ जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और बेसन को इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आप मेरे इस मेथड से मोहन थाल बनाते हैं तो आपका मोहन थाल एकदम परफेक्ट बनेगा और बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहेगा। अब इसे अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। इसे आप चाहे जितना भी चलाएं इसका दाना बरकरार रहेगा। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका घी रिलीज ना होने लगे।
तो यहाँ आप कहेंगे कि घी तो हमने 2 चम्मच डाला है, 2 चम्मच घी से कितना घी रिलीज होगा? तो बता दूं कि जो हमने मलाई डाली है उसका भी घी बनेगा। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक बेसन का कलर चेंज ना हो जाए और बेसन में से घी रिलीज ना होने लगे। मैंने यहाँ पे स्टील की कढ़ाई ली है इसलिए ये साइडों में चिपक रहा है, आप इसे नॉनस्टिक कढ़ाई में भूनिएगा। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये घी छोड़ देगा। अब इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे, नहीं तो जो बेसन है वो कढ़ाई में चिपक जाएगा। इस मिठाई को बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है पर इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें 1/4 स्पून इलायची पाउडर डाल देंगे और आप देख सकते हैं कि इसका जो दाना है वो कितना ज़्यादा बढ़िया आया है। इसे हम जितना मर्जी चलाते रहें इसका दाना ऐसा ही रहेगा। इस मेथड से आपका बिल्कुल परफेक्ट मोहनथाल बनकर तैयार होगा। अब आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी कि बनाने बैठे थे मोहनथाल और बन गई बेसन की बर्फी। अब आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और हमारा बेसन पूरी तरह से भुनकर तैयार है। और ये देखिए हमारा बेसन कितना बढ़िया भुनकर तैयार हुआ है और इसमें से घी रिलीज हो गया है। मोहनथाल के लिए हमें बेसन को इतना ही भूनना है। अब हम एक एल्युमिनियम मोल्ड में थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे और इसमें बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी कॉपी के कागज़ को मोल्ड के शेप में कट कर लें और इसे ऑयल से ग्रीस कर लें। बन गया आपका बटर पेपर। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसे कट करके डाल सकते हैं, या आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सारे मिक्सचर को मोल्ड में डाल देंगे और इसे फैलाकर सेट कर देंगे। अब इसे हम सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसे मोल्ड से निकालेंगे। सर्दी के मौसम में ये बहुत जल्दी जमकर तैयार हो जाता है। इसे निकालने में दिक्कत हो तो 2 सेकंड के लिए इसे हल्का सा गैस पर गर्म कर लें, यह आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको जिस शेप में इसे कट करना है आप कट कर सकते हैं। मैं इसे चौकोर पीसेस में कट कर रही हूँ, आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर से एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला मोहनथाल बनकर रेडी है। जब मैं इसे कट कर रही हूँ तो ये बड़ी आसानी से कट हो रहा है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप भी मेरे इस मेथड को फॉलो करके घर के बहुत ही कम सामान में एकदम मार्केट जैसा मोहनथाल बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।